आपको पता है मैंने अपना ये YouTube का सफ़र कैसे शुरू किया था? आपको कैसे पता होगा? मैंने तो आज तक कभी आपको दिखाया ही नहीं। ये दिन 31 मार्च 2019 का था। मुझे नहीं पता था कि आज के बाद मेरे दिन बदल जाएंगे। अरे दिन क्या, मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। हाँ, तो उस दिन मैं बरेली में ही था और सुबह अंकल से बात होती है, वो बताते हैं कि वो उत्तराखंड की यात्रा पर हैं और बरेली होते हुए ही निकलेंगे। तो मन में एक एक्साइटमेंट भी आ गई थी उनसे मिलने को लेकर, लेकिन बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी थी क्योंकि वीडियो में अब तक उनका एक अग्रेशन रूप देखा था, तो अंदर से थोड़ा डर भी लग रहा था कि उनसे मिलूंगा, क्या पूछूंगा, क्या बात करूंगा। और एक तरफ दिमाग में बहुत ज़्यादा सवाल भी उमड़ घुमड़ रहे थे कि कैसे उनने यूट्यूब शुरू किया, कैसे उनकी यूट्यूब की जर्नी शुरू हुई। लेकिन जब उनसे मिला तो सिर्फ उनको ही सुनता रहा और वो 2 मिनट की मुलाकात मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव लेकर भी आई। अरे भैया क्यों पका रहे हो, कुछ काम की बात हो बताओ। लेकिन हम उसी बरेली में हैं और हमसे मिलने आ गए हैं शशांक गुप्ता हैं, अभी ग्रेजुएशन की उत्तर पढ़ाई कर प्रदेश रहे का हैं। गाजीपुर जिला अब सिर्फ दो ही चीज़ों के लिए फेमस है, पहला इंडियन आर्मी और दूसरा श्री ब्रजभूषण दुबे जी के लिए। तो स्वागत है द वन मैन आर्मी, स्वतंत्र पत्रकार और मेरे जैसे लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत ब्रजभूषण मार्कंडे जी का। हाँ CDO साहब बोल रहे हैं। भाई साहब ब्रजभूषण दुबे हमारा नाम है, स्वतंत्र पत्रकार हूँ, यूट्यूबर हूँ। अरे गांव में नहीं मनाते हैं, कहाँ कहाँ मनाएंगे। फिर से सुनिए, हम क्या आपसे क्या, आप लोक सेवक है ना, इसका ध्यान रखिए। आप लोक सेवक है इसका ध्यान रखिए। तो नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि महावीर महावीर क्या करें, आपको क्या करें, घिघियाएं हुजूर हुजूर करें, अंग्रेजों की सरकार है। इनके साहस के आगे शायद ही कोई टिक सके। 5 मई 1968 का वो दिन जब पूरी दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बनाने वाले गाजीपुर जिले के यूसुफपुर खड़वा गांव में जन्म लिया था ब्रजभूषण दुबे जी ने। अपने शुरुआती दिनों में गौ माता की सेवा के साथ साथ पहलवानी की भी शुरुआत की और पढ़ाई करते करते 10वीं कक्षा में आने के बाद छात्रों के हित में छात्र नेता भी बने। अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन BPED MA करने के बाद दुबे जी ने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा और अपने ही गृह जनपद के एक सरकारी स्कूल में एज अ स्पोर्ट्स टीचर उनकी नियुक्ति हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि एक प्राइवेट स्कूल में उन्होंने प्रधानाचार्य की भी भूमिका निभाई, लेकिन शुरुआत से ही समाज सेवा उनकी रग रग में थी और शिक्षा के क्षेत्र से त्यागपत्र देकर एक बार फिर वो समाज सेवा में जुट गए और अपने क्षेत्र में एक बहुत ही प्रसिद्ध नेता भी थे। उनका अद्भुत क्षण था और चाभी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तुमको चलना होगा, तुमको चलना, अपने दोस्तों के साथ सबके साथ मिलकर। तो दोस्तों ये थी हमारे पिता समान श्री ब्रजभूषण दुबे जी के जीवन की एक झलक, कैसे गौपालक, पहलवान, उसके बाद उनका राजनीति जीवन, फिर जो उनका YouTube का सफ़र शुरू हुआ। और इस दौरान हमने उनके YouTube सफ़र की 10 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने तक की एक छोटी सी झलक आपको दिखाई। अब इसके बाद आगे शुरू होता है जो उनका अतिशय सहयोग, स्नेह, प्रेम मिला और उनका एक जो भरोसा था मुझ पर, जिसके बाद जो मेरा YouTube का एक छोटा सा सफ़र शुरू हुआ उसको आपके सामने पेश करने की। मुझे याद आ रहा है 2020 24 फरवरी का वो दिन था। उन दिनों मैं यानी आपका शशांक बरेली में ही मौजूद था। उस टाइम पर मैंने बरेली के झुमके का एक छोटा सा वीडियो क्लिप रिकॉर्ड किया था, जिसके बारे में मैंने दुबे अंकल से भी चर्चा की, लेकिन मुझको शायद ही मालूम था वो वीडियो कुछ दिनों में बहुत कुछ बदलने वाला है। तो दुबे अंकल ने मुझसे वो वीडियो क्लिप मांगी और क्या आप विश्वास करेंगे कि शशांक की बरेली के झुमके की वो वीडियो दुबे अंकल ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे, जिसमें उस समय करीब 3 लाख से अधिक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने उस वीडियो को अपने चैनल पर फीचर किया।
और वो देखने के बाद मेरे चेहरे पर एक हल्की सी जो मुस्कान थी उसको शायद मैं कभी शब्दों में बयां नहीं कर सकता, क्योंकि वो दिन शायद ही मेरे जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक दिन था। उसके बाद जो उनका कॉन्फिडेंस मेरे प्रति जागा, वो कॉन्फिडेंस आज भी मौजूद है। और फिर वो कहानी यहीं नहीं रुकी, रास्ते में बहुत सी कठिनाइयाँ आईं, बहुत लोगों ने जोड़ा, बहुत लोगों ने तोड़ा, लेकिन अब हम शुरू हुए हैं तो शायद ही कहीं रुकेंगे। हाँ हेलो। सर भाई, यूट्यूब खोल भाई, तेरे यूट्यूब पर 1,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। शशांक ने अपने 1,000 सब्सक्राइबर का लक्ष्य पूरा किया है। यह एक प्राथमिक कक्षाओं में जिस तरह से बच्चा उत्तीर्ण करता है उसको, तो इसे मान लीजिए 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटा वॉच टाइम, यह पूरा हो जाता है तो चैनल मोनेटाइज होता है। शशांक के लिए हमारी शुभकामनाएं। अरे रुको जरा, इतनी जल्दी क्या है, कहाँ जा रहे हो भाइयों? अब इतना झेला है तो कुछ और झेलिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और सच बताऊं, अब तक की सबसे ज्यादा मेहनत वाली ये वीडियो थी। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग को कैसी लगी होगी, क्या लगा होगा, लेकिन जो था पूरे दिल से, पूरी मेहनत से बनाया है। और आपको ये लग रहा होगा 6-7 मिनट का वीडियो, लेकिन इस वीडियो के पीछे कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत लगी, वो शायद आप नहीं समझ पाएंगे। और उसमें सबसे बड़ा थैंक्स मैं बोलूँगा अमरीश, मेरे जो छोटा भाई है, उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की, तो थैंक यू भाई। तो दोस्तों, उसके साथ साथ आप सबका थैंक यू, और वंस अगेन अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू ब्रजभूषण दुबे अंकल कि उन्होंने जो सपोर्ट दिखाया है वो सच में बहुत ही मेरे लिए एक बहुत ही खास है। तो चलिए, अगर अब तक वीडियो देख लिया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और आपका बेस्ट पार्ट क्या था उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कैसी लगी शशांक बिलरन की एक ये छोटी सी स्टोरी, उसके साथ साथ वन मैन आर्मी ब्रजभूषण दुबे जी की जीवन की एक छोटी सी झलक जो मैंने आपके साथ शेयर की, उसके बारे में भी आप सबके कमेंट सादर आमंत्रित किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।